हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनायक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है मे बी 25% आपको आपके परसेंटेज में इंक्रीजमेंट लाने में हेल्प करे। सो दोस्तों, उसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कॉपी लिखने में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिससे एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है कॉपी चेक करने के दौरान। तो वो सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मैटर है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले हम बता दें कि एग्जाम में आप जब भी कॉपी लिखने जाएं, सबसे पहले आपका जो कॉपी का फ्रंट पेज रहेगा, जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है, आपका नाम, रोल नंबर, इसको आप केयरफुली, आप ध्यान से उसको भरें, चेक कर लें। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनको जब कॉपी मिल जाती है, सपोज मानो उनकी ये कॉपी है, ये कॉपी मिल जाती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो आपका फर्स्ट पेज है, इस पेज को वो स्केल से क्या करते हैं, स्केल से इतना पाई इधर ही खींच देंगे, इतना पाई इधर खींच देंगे, वो इतने में अपना सारा मैटर लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये रॉन्ग मेथड है, ये ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे ही टीचर या एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, उसको ये अनुमान लग जाता है कि आप कितना मैटर लिखे हैं, यानी आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कितना मैटर लिखे हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको पाही हिचना जरूरी है, तो आप क्या करें, आगे से अपना एक पाई हिचे, उसके बाद इधर अपना सारा जो आप मैटर है उसको लिखें। पहली चीज आपको यह ध्यान देना है कि आपको कॉपी में किस प्रकार लिखना है। दूसरी बात, यहां पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का बात करें तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टिंग में जब पेपर देखते हैं, सारे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखने के बाद वो कॉपी में ऐसे करते हैं क्वेश्चंस जो उन्हें आ रहा है उसे करते जाएंगे। जैसे सपोज इस सेक्शन ए है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सेक्शन ए में वो सीधे सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे डाल के उसका आंसर कर रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। आप जब भी करेंगे, मान लो सेक्शन ए में कर रहे हैं, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, 1 से 2 हो सकता है, 1 से 5 हो सकता है, 1 से 10 हो सकता है, तो जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, उसी ऑर्डर में आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं करना है, इसमें मेन बताने का मतलब या पर्पज यही है कि मान लो सपोज आप पहला क्वेश्चन किए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद आपको दूसरा नहीं आ रहा है, या तो दूसरा आ रहा है, आपको तीसरा सही से आ रहा है, आप ये सोच लेंगे अभी जो मुझे आ रहा है वो कर लेंगे, जो नहीं आ रहा पीछे करेंगे, तो ये रॉन्ग मेथड है। अगर फर्स्ट करना है तो उसके बाद सेकेंड करें, उसके बाद थर्ड करें, नहीं तो ऐसे होता है कि आप यहाँ पे सेकेंड नहीं किए, फर्स्ट करने के बाद थर्ड कर दिए, लास्ट में ले जाके आप वहां पे लिख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या होता है, कंफ्यूज होता है, एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है कि ये मुझे मतलब इधर उधर बहका रहा है, तो वहां पे भी आपके नंबर्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी क्या करते हैं, मान लो आपका कॉपी यहां है सेक्शन ए में या सेक्शन बी, इसको कुछ भी ले लो, एग्जूम आपको मानना है, चाहे वो एक सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो सेक्शन ए क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन लिया है, तो जब आप क्वेश्चन तो लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन है, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करने बैठेगा उसके माइंड में उस सारे क्वेश्चन रहते हैं, अगर नहीं रहता उसके पास पेपर रहता है, वहां से वो देख लेता है। तो सभी जानते हैं, जब कोई चीज हम लोग बार बार करते हैं तो उसको हम जान जाते हैं, उसके वो मुझे याद हो जाता है, तो उसे रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो उसे याद हो जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट डालने के बाद सीधे आंसर लिखने लगते हैं, और कुछ स्टूडेंट यहीं पे क्या करते हैं, उसका पहले प्रश्न लिखेंगे, उसका जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद तब ठीक उसके नीचे उत्तर आप डालेंगे, चाहे आंसर डाल के तब फिर लिखेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो टाइम है लॉस हो रहा है, आपका ये जो टाइम है क्वेश्चन पहले लिखे वो तो टाइम आपका लॉस हो रहा है। इसी प्रकार आप लगभग 10-12 क्वेश्चन जब लिखते हैं तो एक क्वेश्चन लिखने में अगर 2 मिनट जा रहा है तो देखा जाए मैक्सिमम मिनिमम देखा जाए आधा घंटा 45 मिनट आपका सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही लिखने में चला जाता है।
तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपके पास जो समय है वो समय कम पड़ जाता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे आपको सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन करना है, सीधे आपको यहां पे डालना है सेक्शन बी, उसके बाद यहां पे क्वेश्चन आंसर नंबर दो। ये इंग्लिश के लिए हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर दो। अगर हिंदी में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर दो, ऐसे करके आपको सीधे आंसर लिखना है। इससे क्या है कि आपका समय भी बच रहा है। एग्जामिनर की क्या बात करें, आपको अगर आप ही देख रहे हैं, यहां देखने के बाद तुरंत समझ जाएंगे जो क्वेश्चन हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हम यहाँ पे लिखे हैं, सीधे आप समझ जाएंगे। एग्जामिनर भी जैसे कॉपी आपका चेक करेगा उसको सीधे समझ में आ जाएगा कि जो ये बॉयज है, ये जो स्टूडेंट है, ये सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद यहाँ से आपका आंसर वो भी उसको आप कहीं भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सीधे आपका आंसर चेक करेगा, चेक करने के बाद नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तीसरी बात और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे समझ में आ गया, ये जो सेशन है आज का, आपको हम बताएं कि चाहे यूपी बोर्ड की स्टूडेंट है, चाहे किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे एमएससी कर रहे हैं, किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी कोर्स में हो, ठीक है, तो उनके लिए ये अनिवार्य है, इसको उन्हें फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लगभग 25% जो परसेंटेज है वो गेन होता है, नंबर है जो गेन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे लिख रहे हैं, यहां लिखे पूरा, चलो हम यहां कुछ भी लिख देते हैं, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। लिखने के बाद मान लो ऐसे पूरा सेंटेंस लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद क्या होता है कि मान लो कहीं गलत कर गए, गलत करने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक बार इसको काट दिए, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं उसको ऐसे चार बार ऐसे काटेंगे, तो ऐसा कुछ ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसका सिंपल भाषा है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आपसे गलत हो गया है, सीधे आप ऐसे 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 करके काट के हट जाएंगे। ये आप ये देखने में मतलब वहां पे बहुत वर्गर नहीं लगेगा, बहुत बेकार नहीं लगेगा, लेकिन जब इसी पे आप ऐसे बार 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 करेंगे तो बड़ा बहुत अजीब लगता है। तीसरी बात, अगली बात आपको बताएं कि आप जब भी कोई चीज तैयार कर रहे हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड के हैं, जब अगर थ्योरेटिकल है आप उसको याद करें, तो कोशिश ये करें कि उसको याद करते समय उसको खुद से लिखें, पहले अपने रूम पे, अपने घर पे, उस जो रॉफ कॉपी है उस रॉफ कॉपी पे 3-4 बार 5 बार जो भी चीज आप याद कर रहे हैं उसे लिखें। लिखने से क्या क्या होता है, आप कभी कोशिश करके देखिए। इससे क्या होता है कि जब आपका प्रैक्टिस बना रहता है किसी क्वेश्चन को करने में या किसी भी चीज को लिखने में, तो जब भी आप एग्जाम के ड्यूरेशन में या एग्जाम दे रहे होते हैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उस समय आपको ये सोचने का वाला प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप एक तरफ से शुरू करेंगे तो लिखते 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 आप अपना आंसर लिख जाएंगे। तीसरी बात ये हो गया आपका, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, सब बहुत चीजें। एक बात और बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट पेज मान लो, फर्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन लिखे, लिखने के बाद अभी इधर कोई पेज नहीं, आपको क्या करना, पेज पलटना है। जब पेज आप चेंज करेंगे, हर पेज चेंज करने से पहले आप यहां नीचे पे पी टी ओ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पेज अपना नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे जाके लिखेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर देखने के बाद उसे लग जाता है कि जो स्टूडेंट है आगे भी इसके आगे भी इसका जो आंसर है वो किया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। और रही राइटिंग की बात, तो कहीं ना कहीं जिसका राइटिंग बहुत अच्छा है उसको उसके फेवर में होती है, लेकिन ये 1% ही है कि उसके फेवर में होती है आपका। अगर राइटिंग मीन्स क्या होता है कि बहुत कुछ लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर देखोगे तो जैसे न्यूज़पेपर में लिखा रहते हैं सारे शब्द वैसे ही लिखा रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ मीडियम में होते हैं, इसके मीडियम में होते हैं, तो इसे गड़बड़ राइटिंग नहीं कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे लिखेंगे कि आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आपको वही कॉपी दे दिया जाए आप वो खुद नहीं पढ़ पाएंगे, उस राइटिंग को बेकार राइटिंग कहा जाता है। तो ऐसा कभी मत कहो कि राइटिंग उनका है इनका राइटिंग नहीं है, ये कोई माने नहीं रखता है। बस ध्यान ये देने की बात है कि अगर आपकी कॉपी कोई पढ़ रहा है तो वो अच्छे से पढ़ सके, आप जो भी सेंटेंस लिखे हैं वो अच्छे से पढ़ सके। तो पहली सबसे पहले बात हम क्या कहे हैं कि जो आपकी कॉपी है उस कॉपी में दोनों तरफ जो स्केल रख के आप पाई खींचते हैं
वो मत करिए, वो क्या कि क्योंकि कॉपी का जो गैप है थोड़ा गैप बचता है तो उससे एग्जामिनर को तुरंत इवेल्युएट कर लेता है कि ये इसमें ज्यादा मैटर नहीं लिखा गया है। और उसमें क्या करना है आपको, एक तरफ सिर्फ एक तरफ पाई हिच के उसके बाद लिखना है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है आपको ऑर्डरली रूप में करना है, एक क्रम में करना है कि अगर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का सेकंड कर रहे हैं सेकंड बार आप थर्ड करें, थर्ड बार फोर्थ करें, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई, जिससे आपका सेकंड कर लिए थर्ड आपको नहीं आ रहा, आपको करना भी नहीं है तो मत करिए, सेकंड के बाद आप थर्ड कर दीजिए। मान लो आपको बाद में भी करना है तो लास्ट में एकदम जाके सेक्शन बी का सेकंड थर्ड जो आपको जो इससे पहले आप नहीं किए हैं वहां कर देंगे। लेकिन हाँ एक चीज आप ध्यान देना है कि वहां पे जाके सेक्शन ए बी जो भी सेक्शन रहेगा उस सेक्शन का नाम लिखेंगे तो उसके नीचे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर या क्वेश्चन आंसर नंबर इतना उसको लिखने के बाद तब आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का कहीं और कर दें, सेक्शन बी का कहीं और कर दें, तो ये सब बैड हैबिट है। ये आपके जो परसेंटेज को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके नंबर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब ध्यान देना है। तीसरी बात क्या किया हम कि प्रश्नोत्तर नंबर लिख के उसके बाद तब आंसर सीधे करना है, उसके बाद प्रश्न नहीं लिखना है, जो आपका पेज है उसमें पीटीओ लिखना है, इससे एग्जामिनर को लगेगा अभी आगे और मैटर है। ठीक है, ये सब जो है कॉपी को सुंदर भी बनाता है और राइटिंग में जो आप लिख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गोजे मत, अगर बाय द वे गलती हो गई तो एक ऐसा क्रॉस चेक करें उसके बाद वहां से हट जाए, नहीं तो एक सीधा पाई से हिंच के वहां से हट जाए। ठीक है, वहां पे बहुत गोजने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेन एक जगह चलाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेकार लगता है। और अगली बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप के कॉपी में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे अच्छे से पढ़ें। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि अभी आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये सब चीजें अगर आप ध्यान देंगे, ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, ये श्योर है कि आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ना उसके बाद ये फॉलो ये इस प्रोसीजर को फॉलो कर लें उसके बाद ये सोचें कि आपको परसेंटेज मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करें उसके बाद आपका परसेंट अवश्य गेन होगा। और अभी भी आपके अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके पास अभी भी समय है, अभी भी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा परसेंटेज गेन हो, आप इससे पहले भी आप पढ़ रहे होंगे। तो क्या करना है कि जो भी समय है हमें तो हर समय दोस्त यारों के साथ या और लोगों के साथ स्पेंड करना है या कहीं और आप हैं वहां भी करना है, लेकिन कुछ जो समय या ड्यूरेशन बच रहा है इस ड्यूरेशन में आप अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, उसका जो टाइम टेबल है उसका एक शेड्यूल बनाएं, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएं अपने जहां आप सोते हैं, आपका जो जिस रूम में आप आपका बिस्तर है या बेड है उसके पास आप उस टाइम टेबल को चिपकाएं, उसी को फॉलो करते रहें। तो ये सब जब आप सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपका जो परसेंटेज है अच्छा होगा, लास्ट में रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बाकी ये जो कॉपी लिखने का प्रोसीजर है इसे भी आप ध्यान दें, फिर से कह रहे हैं 25% की जो है यहां से मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो इतना ही, दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी अगर आपको एग्जाम से कोई कंफ्यूजन हो, कॉपी लिखने से कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज आपको मालूम नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको बोर्ड एग्जाम के बारे में सही से मालूम होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन अच्छा मार्क्स कैसे गेन किया जाए, अच्छा नंबर कैसे लाया जाए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या किस चीज को कितना ड्यूरेशन दिया जाए, शॉर्ट आंसर को कितना ड्यूरेशन दिया जाए, लॉन्ग आंसर को कितना ड्यूरेशन दिया जाए, क्या मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन प्रश्न है, इन सब के बारे में अगर आपको डाउट है या आपको पूछना है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमारे एग्रीनेक प्लेटफॉर्म पे मौजूद तीन टीचरों के द्वारा आपको अवश्य एक वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पे कमेंट के रूप में आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।